जब सनी देओल ने किया हेमा मालिनी पे वार तो माँ ने बेटे के लिए कही ये बात, जब किसी पर ये 2.5 किलो का हाथ पड़ता है ना तो वो उठता नहीं उठ जाता है। इस डायलॉग को सुनकर आपको ये तो समझ ही आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल की। सनी देओल अभी अपनी आने वाली फिल्म यमला पगला दीवाना 3 के लिए सुर्खियों में है। बॉलीवुड में कुछ किस्से काफी निराले होते हैं। आपने बॉलीवुड के कुछ किस्से सुने होंगे और कई किस्से आपने नहीं सुने होंगे। आज हम आपको देओल परिवार के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जो काफी दिलचस्प है लेकिन दुखद भी है। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी शादी से बॉबी देओल और सनी देओल बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कभी हेमा को अपनी माँ नहीं माना। यही नहीं, बॉबी देओल और सनी देओल अपनी बहन ईशा आहाना से बात भी नहीं करते। दोनों ने अपनी बहन की शादी भी अटेंड नहीं की थी। यदि उम्र की बात की जाए तो बॉबी देओल 50 वर्ष के हैं और सनी देओल 59 वर्ष के हैं। आहाना 31 साल की है और ईशा देओल 35 साल की है। वहीं अगर सनी देओल और हेमा की उम्र की बात की जाए तो हेमा सनी से सिर्फ 8 साल की बड़ी है। धर्मेंद्र की दूसरी शादी के बाद कभी भी पूरा परिवार एक साथ नजर नहीं आया। खबरों की माने तो ऐसा सुनने में आया कि सनी देओल ने हेमा पर चाकू से वार किया था, लेकिन सनी देओल की असली माँ ने इस हमले वाली बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि उनका बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता और उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी सभी अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।